हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी पिटारा हमारी प्रीवियस वीडियो मींस अस्थमा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा कॉजिस सिम्टम्स एंड रीजंस नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स इसमें फर्स्ट है ब्रोंकियो डायलेटर्स नॉर्मली ऑल ब्रॉन्कीो डायलेटर्स डू इम्प्रूव वेंटिलेशन रिलीव अस्थमैटिक सिम्टम्स रिलैक्सिंग ब्रॉक्यल मसल्स काउंटर एक्ट ऑन ब्रॉकीो स्पार्क इम्प्रूव वेंटिलेशन मीन्स जैसे रूम में एयर का आना और बाहर निकलना वैसे ही बॉडी में इनहेल एंड एक्सहेल को इम्प्रूव करते हैं ब्रांकीो डायलेटर्स जिससे अस्मैटिक सिम्टम्स रिलीव होते हैं और ब्रॉक्यूल मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं उनको डायलेट करके क्योंकि ब्रॉकीो कॉन्स्ट्रिक्शन की, की वजह से एयर एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और एयर बॉडी में आराम से नहीं जा पाती वैसे ही रिलैक्स करने से इजीली एयरवेज अपना काम कर सकते हैं काउंटर एक्ट ऑन ब्रॉक्यूसपाज और ब्रॉन्की पाज के अपोजिट एक्ट करते हैं एंड डायलेटर्स ब्रोंकियो डायलेटर्स मीन्स ब्रोंकाई और ब्रॉक्यूज को डायलेट करने वाले ड्रग्स बिकॉज हमने हमारी लास्ट वीडियो में अस्थमा रीजन्स में देखा था इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है उसे क्योर करने के लिए डायलेटर्स का देना इम्पॉर्टेंट है ये डायलेटर्स बीटा टू एगोनिस्ट है हमें पता है बीटा टू एगोनिस्ट डायलेशन का काम करते हैं अब इनके टाइप्स देखते हैं फर्स्ट है बीटा टू सिंपैथोमायोमेटिक और एड्रिनोमायोमेटिक जो सिंपैथेटिक सिस्टम को काम करने सिंपैथेटिक सिस्टम के काम करने को मिमिक करते हैं यानी वो ड्रग्स जो आर्टिफिशियली सिंपैथेटिक सिस्टम का काम बॉडी में करते हैं और डायलेट करते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने का काम सिंपैथेटिक सिस्टम का होता है और ये ड्रग्स भी वही काम करते हैं इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालीन फॉर्मेट्रोल एफिड्रीन नेक्स्ट वन इज मैथिलथीन मैथिल रेंथिन भी ब्रॉन्कीो डायलेटर्स है और इनके एग्जाम्पल थीफाइलिन एमिनोफाइलिन कॉलिन थीफाइलिन डॉक्सोफाइलिन थियोफाइलिन इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेक्स्ट है एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स कॉलिनर्जिक सिस्टम और कॉलिन का काम होता है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करना सो एंटी कॉलिनर्जिक अपोजिट वर्क करेगा और डायलेशन का काम करेगा इसका एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टिट्रोपियम ब्रोमाइड अब ब्रॉन्कीोला डायेटर्स का इंट्रो खत्म नेक्स्ट टाइप है एंटी अस्थमेटिक का ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट ल्यूकोट्रीन का काम होता है कॉन्स्ट्रिक्शन करना कॉन्स्ट्रिक्शन जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है ब्रॉकाइ के अंदर इट्स अ कॉज ऑफ अस्थमा बट एंटागोनिस्ट होने की वजह से ये डायलेशन का काम करेगा इसके एग्जाम्पल है मोनो मोनोल्यूकास्ट और जफेल्यूकास्ट मोनोल्यूकास्ट भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेक्स्ट टाइप है मास सेल स्टेबलाइजर जैसे इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है स्टेबलाइजर वैसे ही मास सेल को स्टेबल करने के लिए उसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए भी स्टेबलाइजर यूज़ होता है बिकॉज जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ड्यू टू मास सेल डिग्रेडेशन हिस्टामिन रिलीज होती है इट इज़ ए इन्फ्लामेशन मीडिएटर एंड दैट फाइनली कॉज ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन तो मास सेल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए स्टेबलाइजर यूज़ करना होता है ताकि माँ सेल का डिग्रेडेशन ना हो हिस्टामिन रिलीज ना हो और हिस्टामिन रिलीज ना होगा तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा इसका एग्जाम्पल है सोडियम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटो नेक्स्ट टाइप इज कॉर्टिकोस्टीरयड्स एज वी नो कार्टिकोस्टीरॉयड आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रेजेंट में मैक्सिमम ड्रग्स इन्हीं की हेल्प से प्रिपेयर हो रही है इट हैज़ टू टाइप्स वन इज सिस्टेमिक एंड सेकेंड इज इन्हेलेशन सिस्टेमिक मीन्स आई और डायरेक्टली इन ब्लड इनके एग्जाम्पल है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनीसोलॉन एंड एंड इन्हेलेशन मीन्स बाय औरल और नैसल हमने लोगों को अस्थमा में पम्प यूज करते देखा है दैट इज़ अ टाइप ऑफ इन्हेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये इमिडिएट रिलैक्स देता है बिकॉज डायरेक्ट लंग्स उससे एल्वलाई देन ब्लड में ड्रग पहुँचता है और डायलेशन करता है इमिडिएटली इसके एग्जाम्पल है बैक्लोमैथाजोन डाइप्रोपाइड और फ्लोटीज फ्लूटिकासन फ्लूटिकासोन इसके प्रोनंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं नेक्स्ट टाइप इज एंटी आई जी ई एंटीबॉडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा एंटीजन और आई जी ई के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हिस्टामिन ट्रिगर होता है ट्रिगर होने से इन्फ्लामेशन होता है अब उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो एंटी आई जी ई एंड एंटीबॉडी आईजीई आई जी ई और एंटीबॉडी का न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं ये एंटी आई जी ई एंटीबॉडी जिससे इन इनिशिएशन रिएक्शंस जो होती है अस्थमा की कैन नॉट बी हैपन ऐसा ऐसा जब इनिशिएशन में होता है कि आई जी ई और एंटी बॉडी एक साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये उसको क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइज जिसकी वजह से इनिशिएशन रिएक्शन नहीं हो पाती है इस कंप्लीट क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं वैसे तो ट्रिक्स वो होती है जो हमें किसी सब्जेक्ट को इजीली याद रखने में हेल्प करे और वो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है मैंने भी यहाँ पे जस्ट ट्राई किया है इजी ट्रिक बनाने के फर्स्ट है जो मेन क्लासिफिकेशन एंटी इस्टमेटिक ड्रग्स का याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है जिनमें है ब्रोंकोडायलेटर्स डायलेटर्स ल्यूकोटिन एंटागोनिस्ट मास सेल स्टेबलाइजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी आई एंटीबॉडी फर्स्ट है ब्रोंकाई या फिर ब्रॉकली ब्रॉकली वेजिटेबल का नाम है सो ब्रॉकली एंड ब्रोंकाई लेके आंटी ने मस्ती को अंदर आने नहीं दिया अगर आप ब्रॉकली याद कर सकते हैं उससे अगर ब्रोंक्यो डायलेटर्स याद हो सकता है तो ब्रोकली नहीं तो ब्रोंकाई याद कीजिए दोनों ऑप्शन में हैं लेके आंटी ने मस्ती को अंदर आने नहीं दिया मस्ती जस्ट सपोज ए नेम ऑफ एनी पर्सन एंड एन आंटी जो उसे ब्रोकली के साथ में एंट्री नहीं दे रही है ब्रोक ब्रोकली या ब्रॉकाएस ब्रोंक्योडाइलेटर्स लेके आंटी मीन्स ल्यूकोटेन एंटागोनिस्ट मस्ती मीन्स मास सेल स्टेबलाइजर को यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अंदर आने नहीं देना काम अंदर आने नहीं देने का काम एंटीबॉडी का होता है तो एंटी आई जी एंटीबॉडी इस ट्रिक से हम इन पाँच के नाम याद कर सकते हैं अब हम डायलेटर्स के टाइप्स को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं डायलेटर्स में आते हैं बीटा टू सिंपेथोमाइमेटिक्स मैथिलजेंथींस और एंटी इनर्जिक जो आंटी हमने फर्स्ट ट्रिक में काम में ली थी वो आंटी हमारे आगे भी काम आएगी आंटी कोली बोली बेटा दो मैथिल जैम देना आंटी कोली मीन्स सरनेम से अगर हम किसी आंटी को बोले जैसे आंटी गुप्ता आंटी होती है शर्मा आंटी होती है वैसे आंटी कोली आंटी कोली मीन्स एंटी कोली एंटी कॉल बोली बेटा दो बेटा दो यानी बीटा टू बीटा टू सिंपेथोमायमेटिक्स मैथिल जैम देना किसी जैम को अगर हम जैम पढ़े मैथिलजैम देना मैथिलजेंथीन तो बीटा टू सिम्फेथोमायमेटिक मैथिलजैनथीन और एंटी कॉल वैसे इनके नाम ऐसे इजीली भी याद हो सकते हैं बट अगर नहीं हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं बीटा टू सिम्फेथोमायमेटिक्स के एग्जाम्पल्स के लिए भी हम एक ट्रिक बनाई है स्कूल में टीचर की फॉर्मेलिटी है इंग्लिश सालब्यूटामोल टर्ब्यूटालीन फॉर्मेड्रोल एफिड्रीन स्कूल यानी एस एल सालब्यूटामोल टीचर टी ई आर टर्ब्यूटालीन फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड एस और एल सालब्यूटामॉल टीचर टी और ई आर टर्ब्यूटालीन फॉर्मेलिटी इसमें फर्स्ट वर्ड्स फॉर्मेल फॉर्मेलिटी फॉर्मल का फॉर्मेट्रॉल और इंग्लिश से एफ्रीन स्कूल में टीचर की फॉर्मेलिटी है इंग्लिश यानी सालब्यूटामॉल टर्ब्यूटालिन फॉमेट्रोल और एफिड्रीन मैथिलजेंथिन में आप थियोफाइलिन का एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो उससे आप तीनों वर्ड्स तीनों एग्ज़ाम्पल्स को याद रख सकते हैं थियोफाइलिन से कॉलिन थीफाइलिन से डॉक्सोफाइलिन और थीफाइलिन से अमीनोफाइलिन एंटी कॉलिनर्जी के दो एग्ज़ाम्पल इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टिट्रोपियम ब्रोमाइड इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं आंटी कोली भी इपरा बोली, इट्स इट्स अ लिटिल फनी बट आंटी कोली भी इपरा बोली, यानी इपरा इपरा इप्रा ट्रोपियम ब्रोमाइड और टिट्रा यानी टिट्रोपियम ब्रोमाइड तो ये एंटीकोलर्जिक ड्रग्स के एग्जांपल याद करने की ट्रिक है और बाकी ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस में मोनोल्यूकास्ट जफर ल्यूकास्ट दोनों ही ल्यूकास्ट यानी ल्यूकोड्रीन ल्यूको वर्ड से आप ल्यूकास्ट याद रख सकते हैं और इससे आप इन दोनों एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं मा सेल स्टेबिलाईजर में कीटोटिफिन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है ऐसे आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं और आप भी अपने अकॉर्डिंग ट्रिक्स बना सकते हैं ये था एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन now we will learn every class in detail so see you soon in next video thank you